भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। सीरीज में अफ्रीका 1-0 से आगे है, जबकि भारत भी इस मैच में वापसी की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। केप टाउन टेस्ट में हार के बाद इस बार टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन इस मैच में बाहर बैठेंगे और तकनीकी रूप से ज्यादा साउंड बल्लेबाज केएल राहुल को मौका मिलने जा रहा है। जी हां, मुरली विजय और केएल राहुल टीम के लिए ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलेंगे। अब बात करते हैं पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पर इस मैच में अजिंक्य रहाणे को खिलाया जाएगा। रहाणे की सेंचुरियन टेस्ट में वापसी होने जा रही है, लेकिन वो रोहित शर्मा की जगह टीम में नहीं आएंगे। रोहित शर्मा भी टीम में शामिल है। जी हाँ, रोहित शर्मा इसके बाद यानी छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे और रोहित और रहाणे दोनों को खिलाने पर टीम मैनेजमेंट करीब करीब फैसला कर चुका है। अब बाहर कौन होगा ये आपको बताएंगे। सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे और आठवें नंबर पर रिद्धिमान साह खेलने आएंगे। इसके बाद टीम से बाहर होने जा रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। सेंचुरियन की पिच भी न्यूलैंड्स की तरह होने की उम्मीद है, ऐसे में स्पिनर को नहीं खिलाकर एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिलाया जा रहा है। गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी का भी खेलना तय है और हार्दिक पांड्या उनके साथ चौथे तेज गेंदबाज होंगे। तो यह टीम इंडिया के दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।